हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत अजीज सदीकी साहब, साबिक जज हैं, और इन्हीं के केस से ये सारा मामला शुरू हुआ था। इस वक्त ये हार्ट केक है, हर आदमी इनकी बात सुनना चाहता है। बेटी की जात से तो आगे कोई जात नहीं है ना, कोई भी जो कोई भी बागैरत जो शख्स है उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ जो है वो उसकी गैरत का एक एक्सट्रीम होती है। अगर उस सेटअप में मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये कैमरों का लगना किसी बरादर नस्बती का इस तरीके से अगवा होना बड़ा एक एपिसोड है, या किसी की बेटी को अगवा करने की कोशिश करना बड़ा एपिसोड है, तो आप बतौर मुनसिफ आप फैसला करें कि क्या होता है। किसी शख्स के बेटों के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स करना एक बड़ा ऑफेंस है या छोटा है? और ये आपके साथ हुआ जी, और एक हाई कोर्ट का जो 2 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला शख्स है, लोग 6-6 महीने सरकारी रिहाइश रखते हैं, उसने विद इन 1 वीक वो घर खाली कर दिया। इस्लामाबाद में उसको कोई किराए पे घर देने के लिए तैयार नहीं था कि अगर हमने इस शख्स को घर किराए पे दे दिया तो फौज वाले या ISI वाले हमारे साथ ऐसी की तैसी कर देंगे। अब ये एक बड़े मैग्नीट्यूड आप उसका देखें। मैंने आपकी साहबजादी और आपके बेटे महफूज रहे, बस अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे इस सारी आजमाइश से जो है वो किसी भी बड़ी इस तरह ने करम किया, अल्लाह रहम किया। बेटों पे अटैक हुआ, क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल, अटेम्प्ट्स हुई, गाड़ी के साथ उनको मारने की कोशिश की गई, टक्कर मार के उनको करने की कोशिश की गई, एक बेटे के ऑफिस में जो है वो इस तरीके से एक एफर्ट्स करने की कोशिश की गई। अगवा करने की कोशिश की क्या? बेटी को अगवा करने की कोशिश। बेटी को? बेटी को, हाँ जी। वो बैरिया यूनिवर्सिटी में जाती थी तो उस वक्त वो हम पर्वत रोड पे ही रहते थे। मैं बस इस किस्से पे ज्यादा वो मेरा ख्याल है कि बस इतना मैं एक गोइंग रेफरेंस काफी है जो मैंने आपको दे दिया। बस मैं सिर्फ एक आपको उस लेवल के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह की सिचुएशन से मैं और मेरी फैमिली गुजरी है। और हमने 5.5 किसी जज ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नन जी। और किसी वकील ने भी नहीं? वकला की तरफ से वकला की तरफ से पिंडी बार हो गई, इस्लामाबाद बार हो गई, कराची बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बाकी भी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से रहा मेरे साथ। लेकिन जाहिर है मेरे हक में इस तरह की रैलियां नहीं निकली, इस तरह के जलसे नहीं निकले, इस तरह के जुलूस नहीं निकले, इस तरह के कन्वेंशन नहीं बुलाए गए, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई। आपको चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को समझाएं कि पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, वो कमीशन बनने से पहले रिजेक्ट कर देती है उसको। मेरा उससे कोई तलक नहीं है कि मैं उनको समझाऊं। जब मैंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की और उसके ऊपर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब का एक रद्द अमल आया, फिर मैंने 22 जुलाई 2018 को वेरी नेक्स्ट डे उनको एक लेटर लिखा और उसमें मैंने उनसे इस्तेदा की कि एक कमीशन आप कॉन्स्टिट्यूट करें, अगर मेरे इल्जामात झूठे साबित होते हैं तो भले मुझे आप डी चौक में फांसी दे दें, और लेकिन अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो मुझे कम अज कम ये बता दें कि आप मेन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। ठीक है, जाहिर है उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मुझे 31 जुलाई 2018 को नोटिस दे दिया गया, शो काज नोटिस, और उसमें मिसकंडक्ट का जी के ये आपने ये तकरीर करके जो है वो मिसकंडक्ट किया है। और फिर जाहिर है एक हेयरिंग के नतीजे में मुझे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दे दी और उसी दिन विद इन मिनट्स जो है मामला सदर साहब तक भी पहुंच गया, वहां से साइन होके नोटिफिकेशन इशू हो गया। अब इस सारे मामले का ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इंक्वायरी करनी चाहिए थी उन्होंने भी नहीं की। ठीक, उसकी वजह ये आपके मामले में जी, उसकी वजह ये है कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट की आला जो सीनियर जज साहबान थे और फिर जो आर्मी की क्यादत थी उनके दरमियान एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तालमेल था, एक हमांगी थी और एक कॉमन कोई ऑब्जेक्ट भी था। ठीक, तो उनके नज़दीक मेरा ये तकरीर करना जो है ये बहुत बड़ा एक उस
उन अजायम के रास्ते में रुकावट आपका ख्याल है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तीनों एक पेज पे थे। जी बिल्कुल एक पेज पे थे उस और पे आप उस पेज को डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ मेरे मेरे उस तकरीर से शायद उस पेज पे कुछ जो है वो क्या रोशनाई गिरने का अंदेशा पैदा हो गया था। और खैर वो फिर उसके बाद मामला नहीं की, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी इंक्वायरी नहीं की। 5.5 साल मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला रहा, उन्होंने किसी स्टेज पर किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। बहरहाल अल्टीमेटली अब 22 मार्च 2024 को अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, मैंने अकेले ये जंग लड़ी। और उस वक्त वैसे आपकी वजह से इन जजों के अंदर भी हिम्मत हुई और उन्होंने भी खत लिख दिया। जी वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अब एक प्रेसिडेंट बनेगी, ये भी एक प्रेसिडेंट है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की रिकमेंडेशन के नतीजे में अगर किसी जज साहब को फारग किया गया है तो आज तक वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ। पहले केस में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला एक चीज है जो मैंने काम किया था, वो भी पहला ही काम था। ठीक तो बहरहाल ये अगर मामलात उस वक्त इंक्वायर कर लिए जाते और उस वक्त जो लोग इस सारे मामले में शरीक थे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्यूपुलेट करने में, बेंचेस बनवाने में, केसेस की मार्किंग करवाने में, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि चूंकि उस वक्त के जो बेनिफिशरी थे वो आज के विक्टिम हैं और आज के बेनिफिशरी उस वक्त के विक्टिम हैं, असूली मौकफ कोई नहीं अपनाता। हर कोई वो क्या कहते हैं कि दंग टपाओ, ताड़ा कुत्ता कुत्ता ते साड़ा कुत्ता टोमी वाली बात है। तो ये इस तरह की एक सोच है, जब तक हम असूली मौकफ नहीं अपनाएंगे और अक्रॉस द बोर्ड इस चीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे तो ये मामलात जो है मजीद शिद्दत इख्तियार कर। बिल्कुल ठीक। सिद्दीकी साहब फरमाइए, अगर आपको इस कमीशन का सरबराह बनाया जाए तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए पहली तो बात यह है कि चूंकि उनके पूरे उस खत में बार बार मेरा रेफरेंस मौजूद है, हाँ, मेरे आँख में आने वाली जजमेंट का रेफरेंस मौजूद है और फिर साथ उनका ये भी उसमें मुतालबा मौजूद है कि हम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इस मुतालबे की हमायत करते हैं कि तहकीकात हो। तो जाहिर है अगर मुझे ऑफर की भी जाए तो मैं इनकार करूंगा क्योंकि वन कैन नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कास्ट। ठीक है। अच्छा एक बात मैं बड़ी अगेन मुझे वो शुएब भाई से एहतराम के साथ, मेरे भाई हैं ये दोनों, बड़े प्यारे भाई हैं। देखिए आप जब तक अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं ना, सही बात, आप आगे चल ही नहीं सकते। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो इंसान अपने आप को देता है। मैंने आपको दे दिया, पाशा साहब को दे दिया, शैब साहब को दे दिया, ये कोई कमाल नहीं है, ये काम ठग करते हैं। ठीक ठीक। धोखा वो है जो मैं अपने आप को देता। सही बात। देखें अब फैजाबाद धरना केस की जजमेंट आ चुकी थी, मेरे लगाए गए इल्जामात रिकॉर्ड पे मौजूद थे। ठीक। फैज हमीद साहब के अगेंस्ट। अब यह था कि उनकी प्रमोशन करनी है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक ठीक है। हर तरफ से रिव्यू फाइल आ गए कि बोर्ड के सामने हम ये चीज रखें कि वो जो जजमेंट है वो तो एक मुतनाजा जजमेंट है, उसके ऊपर रिव्यू है, चलें ये फैज हमीद साहब को हम प्रमोट कर देते। मकसद उस वक्त क्या था, मोटिव क्या था? मोटिव ऑब्वियसली यही था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है। ठीक है। वरना किसी भी महजब मुआशरे में किसी फौज के ऑफिसर के हवाले से किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक रेफरेंस आ जाए या एक सिटिंग हाई कोर्ट का जज जो है उसके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगा रहा हो तो उसकी प्रमोशन हो सकती है। आप ये इनको मानने चाहिए ये चीजें जो इनसे फंबल हुए हैं, भूल हुई है, चूक हुई है और जो इन्होंने जिस भी मोटिव के तहत ये सारी बातें की हैं तो इसका इनको मानना पड़ेगा। इसके बाद इस कोई कमेंट देना चाहिए सर? सेकंड आएगी। पहली बात तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल ना हमने बनाया ना हमारे कहने पे बना। दूसरी बात एक बात बता दूं, सर बड़ा जोर लगाया था आपने ऑडियो लीक्स के इश्यू पे। इतने अगर आप सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और दो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिसेस को आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं
कमीशन, तो मुझे बता दें कि इस कदर अहम तरीन मसले पे जहां 90% ऑफ वन ऑफ दी हाई कोर्ट के जजेस एग्रीव्ड हूं पर्सनली, जहां इंसाफ का इस तरह तमाशा बनाया जा रहा हो, वहां आप कहते हैं कि हम रिटायर्ड जज को बनाएंगे, तो ये इसलिए इनके पहले एतराज को मद्देनजर रखते हुए इनके मुमकिन एतराज से अवॉइड करने के लिए आप रिटायर्ड जज रखें। ठीक है, बहुत आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।